मार्च का महीना शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं। आने वाले महीने में आपको कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे घरेलू सिलेंडर, बैंक लोन महंगा हो सकता है, ट्रेनों के समय में बदलाव हो सकता है। RBI द्वारा जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक मार्च में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस महीने होली और नवरात्रि की छुट्टियां हैं, इसमें बैंक का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद बैंकों ने MCLR दरों में इजाफा किया है। इसका सीधा असर लोन और EMI पर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस, LPG सिलेंडर, PNG और CNG के दाम तय किए जाएंगे। पिछली बार 1 फरवरी को कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के पैसे नहीं बढ़ाए थे। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारों के चलते गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं।